हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पोकेमोन वर्ल्ड में पोकेमोन कितने लाखों कितने करोड़ों साल से राज कर रहे हैं, और कई कई ऐसे पोकेमोन भी हैं जो कि करोड़ों बिलियन साल की उम्र के हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 ऐसे पोकेमोन के बारे में जो कि सबसे ज्यादा उम्र वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। लिस्ट के नंबर 10 पर जो पोकेमोन आते हैं वो है कार्बिंक। कार्बिंक ये पोकेमोन हमें पहली बार पोकेमोन की मूवी दबंग एंड द डीएनसी में पहली बार देखने को मिले थे। और देखा जाए तो इनकी पूरी बॉडी स्टोन से बनी है और इसीलिए शायद इतने लंबे समय तक टिके हुए हैं। और अगर बात करें पोकेडेक्स एंट्रीज की तो पोकेडेक्स में ऐसा बताया गया है इन पोकेमोन के बारे में कि कार्बिंक पोकेमोन पोकेमोन वर्ल्ड में जब जीवाश्म भी नहीं था तब ये पैदा हुए थे। और इन पोकेमोन के बारे में कुछ और भी लिखा गया है कि ये पोकेमोन जब अस्तित्व में आए थे तब उसके बाद ये लाखों सालों तक सोए हुए थे और शायद इसी वजह से ये लोग इतने सालों तक जी पाए हैं। और अगर गेस्ट किया जाए तो शायद इनकी उम्र अभी के समय में 10 लाख सालों से भी ज्यादा हो सकती है। लिस्ट के नंबर 9 पर जो पोकेमोन आता है वो है जेनेसेक्ट। जेनेसेक्ट ये पोकेमोन हमें पहली बार पोकेमोन एनिमे के अंदर पोकेमोन की मूवी द जेनेसेक्ट एंड द अक्वेरियन में पहली बार देखने को मिले थे। वेल, इन पोकेमोन को लेकर काफी सारी थ्योरीज है और उनमें से ये कुछ थ्योरी है कि ये पोकेमोन काफ़ी लाखों साल पहले अस्तित्व में थे, फिर एक वक्त में ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कई लाखों सालों तक के लिए सो गए थे और बाद में किसी इंसानों की मदद से या फिर कई साइंटिस्टों की मदद से इन्हें पुनर्जीवित किया गया। और अभी जो हमें जेनेसेक्ट देखने को मिलता है वो असल में एक तरह से एक आर्टिफिशियल जेनेसेक्ट है जो कि जेनेसेक्ट की बॉडी को रिवाइव करने के लिए बनाया गया है। और जेनेसेक्ट के बारे में ये बताया जाता है कि ये पोकेमोन 20 लाख सालों से सो रहा था, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कार्बिंक से भी ज़्यादा पुराना पोकेमोन है। नंबर 8 पर आता है इटर्नेटस। ये पोकेमोन मेरे ख्याल से सबसे कुछ पुराने पोकेमोन में से एक है। इसी पोकेमोन की वजह से गैलर रीजन में डायनामैक्स और जीमैक्स जैसा फॉर्म एग्जिस्टेंट में आया था। इटर्नेटस पोकेमोन के बारे में ये कहा जाता है कि आज से 20 लाख साल पहले ये एक उल्का की मदद से अर्थ में आया था और ये जहाँ पर गिरा था वो जगह था गैलर रीजन। और जब ये एक उल्का के रूप में गिरा था तब इसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा मैसिव एनर्जी निकल रही थी और उस एनर्जी के कांटेक्ट में जो जो पोकेमोन आ रहा था वो जी मैक्स और डायनामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। और इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों ही पोकेमोन यानी कि इटर्नेटस और जेनेसेक्ट दोनों ही 20 लाख सालों पहले अर्थ में थे, पर इटर्नेटस थोड़ा ज़्यादा पुराना है क्योंकि वो अर्थ के बाहर से आया था यानी कि वो पहले से ही एग्जिस्टेंट में था। नंबर 7 हीटरन। हीटरन नो डाउट पोकेमोन एनिमे के अंदर एक लेजेंडरी पोकेमोन है, पर बावजूद इसके उसे वो दर्जा नहीं मिला जो कि लेजेंडरी पोकेमोन का दर्जा होता है। पर फिर भी ये जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी क्योंकि ये पोकेमोन ही वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पोकेमोन में से एक है। ये पोकेमोन सिन्हो रीजन में माउंट कोरोनेटस के इलाके में पहली बार अस्तित्व में आया था। और शायद ये बात आपको हैरानी हो सकती है क्योंकि हीटरन जो पोकेमोन है वो बना है लावा और लावा के आसपास जो पत्थर है उनको मिलाकर। और इस पोकेमोन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितना पुराना अर्थ में लावा है उतना ही पुराना हीटरन पोकेमोन है। नंबर 6 द टाइटन पोकेमोन। टाइटन पोकेमोन में आते हैं रेजी आइस, रेजी स्टील, रेजी रॉक और इन सब में से सबसे बड़ा रेजी गिगस। इन चारों पोकेमोन के बारे में ही ऐसा कहा जाता है कि इन चारों में से जो सबसे पहले एग्जिस्टेंट में आया था वो था रेजी गिगस, फिर रेजी गिगस ने रेजी स्टील, रेजी आइस और रेजी रॉक पोकेमोन को बनाया। और ये चारों पोकेमोन का अर्थ को बनाने में अपना अपना एक अलग हिस्सा था। रेजी आइस जो पोकेमोन था उस पोकेमोन की वजह से विंटर सीजन आया, और अगर देखा जाए रेजी रॉक की वजह से ही अर्थ में रॉक जैसी चीज एग्जिस्ट में आई। और बात करें रेजी स्टील की तो रेजी स्टील जैसे पोकेमोन की वजह से ही अर्थ में स्टील जैसी चीज एग्जिस्टेंस में आई थी।
और नो डाउट कि ये चारों ही पोकेमोन बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, ये तब से है जब अर्थ पहली बार बना था। नंबर 5 म्यू। नो डाउट म्यू पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस पोकेमोन में से एक है। म्यू के पास हर एक पोकेमोन वर्ल्ड में जितने भी पोकेमोन है उन सभी का डीएनए है। और इसके अलावा म्यू के बारे में ये मिथ है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही म्यू है, पर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बहुत लाखों सालों पहले और भी कई सारे म्यू एग्जिस्टेंट में थे। और इसके अलावा म्यू एग्जिस्टेंट में कैसे आया, वो कैसे पैदा हुआ, इन सब के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता और ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। पर इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि नो डाउट कि म्यू वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पोकेमोन में से एक है। नंबर 4 ग्रोडोन, कायोगर और रक्वीजा। ये तीनों ही पोकेमोन क्रिएशन ट्रियो के नाम से जाने जाते हैं और ये तीनों ही पोकेमोन अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और स्पेशली इन तीनों में से सबसे पावरफुल है रक्वीजा और इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा पुराना पोकेमोन जो है वो है रक्वीजा। और देखा जाए तो ग्रोडोन और कायोगर ये दोनों पोकेमोन भी बहुत ही पुराने हैं क्योंकि ये तब से है जब अर्थ पहली बार एग्जिस्टेंस में आया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब इस दुनिया में आग और पानी आया था तभी से ये दोनों पोकेमोन एग्जिस्टेंस में है और जब अर्थ पहली बार पैदा हुआ था तब से रक्वीजा उसकी सुरक्षा कर रहा है। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता पर नो डाउट कि इन तीनों की ही एज ऑलमोस्ट बिलियन सालों से भी ज़्यादा की है। नंबर 3 युक्सी, मेस्प्रिट और एजलिप। इन तीनों पोकेमोन को क्रिएशन में एक तरह से लेक गार्डियन पोकेमोन कहा जाता है। इन तीनों पोकेमोन को आर्किस ने बनाया था और इनका काम था ह्यूमंस के अंदर इमोशंस को पैदा करना। और इन पोकेमोन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर ये पोकेमोन नहीं होते तो अब तक पोकेमोन वर्ल्ड में कई सारी लड़ाई हो जाती है और इनकी वजह से पोकेमोन वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो जाता। पर इन तीनों पोकेमोन की वजह से ही अभी तक सभी में इमोशंस काम करते हैं और एक तरह से सभी में सोचने की ताकत होती है। तो अगर हम इन लोगों की एज गेस्ट करने जाए तो इन तीनों का जो काम है उस हिसाब से हम इनकी एज गेस्ट कर सकते हैं। तो ये लोग तब से एग्जिस्ट करते होंगे जब से पोकेमोन और जो ह्यूमन है वो एग्जिस्टेंस में आए थे। नंबर 2 पालकिया, गिराटीना और डायलगा। ये तीनों ही पोकेमोन एक तरह से नाम में जाने जाते हैं क्रिएशन ट्रियो। और एक तरह से हम तीनों ही पोकेमोन को आरसीएस की संतान या कह सकते हैं कि बेटा भी हम कह सकते हैं। तीनों ही पोकेमोन की पावर कमाल की है, अपनी जगह सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। तीनों अपने अपने अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। पालकिया जो कि स्पेस का मालिक, वही डायलगा टाइम को कंट्रोल करता है। गिराटीना के पास अपना एक मिरर वर्ल्ड है। फाइनली नंबर 1 आरकीएस। आरसीएस पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे पहला पोकेमोन है। और ये पोकेमोन कितना पुराना है और इसकी उम्र क्या है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि ये पोकेमोन तब से है जब कुछ नहीं था। और जैसा मैंने पालकिया और डायलगा और गिराटीना के लिए कहा, सेम इसके लिए भी वही चीज़ लागू होती है कि जब कुछ नहीं रहेगा तब भी आरकीएस होगा। इस पोकेमोन की कितनी उम्र है या फिर ये कितना पुराना है इसके बारे में कोई भी आइडिया लगा नहीं सकता। और सच बताओ तो कोई डेटा भी नहीं है इसके बारे में और किसी के लिए भी ये बताना बिल्कुल भी नामुमकिन है कि आरकीएस कितना पुराना पोकेमोन है। पर इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि आरकीएस सबसे ज़्यादा पुराना पोकेमोन है और उसकी उम्र सबसे ज़्यादा है। तो दैट्स इट एंड होप करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।